और मस्ती तो होगा, मस्ती होगा नहीं तो होली कैसे होगा, मस्ती मिलेगा कैसे, हम आर्टिस्ट कहलाएंगे कैसे कि जब गुदगुदाए नहीं गुद। कि दीदी आके छोड़िए जीजा हमारे पपाड़ी गईला, आके ससुरारी में बिगड़ गईला हो। कुछ ट्विस्ट भी देने का काम हुआ इस बार होली में। ये जीजा साली का नोक जोक है कि अगर हम भी अश्लील गाना कोई भी गाएं तो उसको एकदम पुरजोर विरोध करिए, कोई भी गाए विरोध करिए, उसका चर्चा ही मत करिए ताकि वो चीज़ उपज ही ना पाए। वहीं जो भाई बोला कि आप जब सीख करके आते हैं या पढ़ करके आते हैं कोई भी चीज़, तो पता रहता है कि सीमित कहाँ तक है, इसका लिमिट क्या है। अभी हमारे साथ भोजपुरी के दो अनमोल रत्न हैं जिनकी जोड़ी आपको गाने में भी देखने के लिए मिलेगी, मूवी में भी देखने के लिए मिलेगी और वेब सीरीज में भी देखने के लिए मिलेगी। दोनों सगे भाई हैं, एक का नाम अंकुश है तो एक का नाम राजा है, लेकिन दोनों की जोड़ी इतनी जबरदस्त है कि कहीं भी जाएंगे साथ में ही आपको नजर आएंगे। फिलहाल होली का सीजन आने वाला है, इस पे हम इनसे चर्चा करेंगे कि इस बार होली में दो अनमोल रत्न का क्या खास बिहार के दर्शकों के लिए है। पहले तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और सच तक देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सबको हम दोनों भाई अंकुश राजा का प्यार भरा नमस्कार। अच्छा होली में इस बार बिहार के लिए खास क्या है आप दोनों लोग के तरफ से? देखिए ये तो होली ही हमने के बिहार के चीज है और जब जब होली आवेला तो पूरा बिहार के लोग उमंग से उठ जाला और अबरी बारे वो गीत हमने गोले बनी जा जो उनकी आई अभी दो दिन में रिलीज हुई। दो लाइन हो जाए फिर। किसी यानी कली आवा धावा के ऊर होलिया खेले राम लाला हो घन श्याम लाला, राम लाला हो घन श्याम लाला, सिया निकली आवा धावा के ऊर होलिया खेले राम लाला। मतलब अगर कहा जाए तो इस गाने को भोजपुरी में या फिर बिहार के वासियों में कहा जाता है फगुआ। हाँ। तो मतलब फगुआ को परोसने का काम किया है इस बार आपने। आप जानकारी रखती हैं, बहुत अच्छा लगा। हाँ ये पारंपरिक होली है। हाँ। भक्ति होली है, पारंपरिक होली है जो कि सदियों से चलते आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो पारंपरिक चीजें हैं वो कभी पुराना या नया नहीं होता है, वो रहेगा, आपके जमाने में भी रहेगा, आप बच्चे होंगे उनके भी जमाने में रहेगा। आप लोग एक नया रूप देते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं जैसे म्यूजिक के माध्यम से और हमारे वीडियो के माध्यम से कुछ नया होता है क्योंकि देखने का नजरिया भी अब थोड़ा सा बदल गया, जनरेशन बदल रहा है। जैसे छठ का गीत है ना, काज ही बास के बंगिया, हम लोग कितना भी नया कर रहे हैं लेकिन वो चीज कभी पुराना नहीं हो सकता है। छठ आएगा तो लोग फील वही आएगा, तो फील वही आएगा, उसको लोग याद करेंगे ही। जुड़ गया है ऐसा ऐसा एक है जैसे फगुआ हो गया, ऐसा फगुआ हो गया या फिर छठ का काज ही बास के बंगिया जैसे प्रसादी है वैसा वो गीत है। वो गीत और प्रसादी अगर बन रहा हो, अगर वो गीत चल रहा हो तो एक अद्भुत ही नजारा रहता है। वैसा कौन सा गाना आने वाला है इस बार होली में आप लोगों का? होली में एक और गीत आया है जिसको दर्शक बहुत प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, जीजा साली का गीत है। कि दीदी आके छोड़िए जीजा हमारे पपाड़ी गईला, आके ससुरारी में बिगड़ गईला हो, ए जीजा हो आके ससुरारी में बिगड़ गईला हो। अच्छा मतलब कुछ ट्विस्ट भी देने का काम हुआ इस बार होली में। ये जीजा साली का नोक जोक है और साली होली खेलना चाहती है अपने जीजाजी से, मजाक करती है तो फिर जीजा जो साई रहते हैं, जीजा शांत रहते हैं लेकिन होली में उनको उमंग आ जाता है, वो रंग डालने के रंग फेंकने के चक्कर में, ऐसा वीडियो में भी दिखाया गया है, और रंग फेंकने के चक्कर में पड़ जाते हैं तो वहीं बोलती है कि हम पर क्यों पड़े हैं आप, आपकी वाइफ है उन पर पड़िए ना। तो पिछले साल एक हम लोग का गीत आया था नए जीजा करके जिसको दर्शक लोग काफी प्यार आशीर्वाद दिए थे। दो लाइन वो गाना हो जाए। कि नए जीजा छुके नई देव रंग वाला गाई देव, नए जीजा छुके नई देव रंग वाला गाई देव।
मतलब लगातार आप लोग के गाने पे रील्स बनता है, काफी वायरल होता है रील्स आप लोग के गाने का। ये अभी जो गाना रिलीज हुआ है होली वाला, अभी नया वाला, इस पे अभी तक कितने रील्स बने? अभी तो कल ही आया है ये गाना, और मेरे ख्याल से 1300 या 1400 लोग रील बनाए अभी। अभी मतलब बवाल मचाने को तैयार है मार्केट में। बस कोशिश कर रहे हैं, बस आज ही ट्रेंडिंग में आया है, तो अब ट्रेंडिंग में आ गया तो बहुत ज्यादा बनेगा ही बनेगा। सबसे अच्छी बात आप दोनों भाइयों की ये होती है कि मस्ती मजाक भी गाने में होता है, लेकिन एक पर्दा के साथ होता है। क्या है ना कि वही जो भाई बोला कि आप जब सीख करके आते हैं या पढ़ करके आते हैं कोई भी चीज, तो पता रहता है कि सीमित कहाँ तक है, इसका लिमिट क्या है, ये यहाँ तक है ये दायरा, इस वाल को पार नहीं करना है। और मस्ती तो होगा, मस्ती होगा नहीं तो होली कैसे होगा, मस्ती मिलेगा कैसे, हम आर्टिस्ट कहलाएंगे कैसे कि जब गुदगुदाए नहीं उनको जब कुछ आनंदित ना करें, तो आर्टिस्ट तो ऐसे ही हम एस्टेब्लिश होंगे, लेकिन दायरा में। मतलब एक पर्दा ऑडियंस और आर्टिस्ट के बीच बहुत जरूरी है। पर्दा जब रहेगा तभी मजा भी मिलेगा, बिना पर्दा का क्या, ऑडियंस प्यार भी करेगा। अगर रोड पे अगर हम नंगे आ जाएंगे तो फिर तो क्या है, पागल बोलने लगेंगे लोग। लड़की है सामने तो वो सामने लड़की है तो उसको इंडिकेट करके और पकड़ करके छू करके वो नहीं किया जा सकता है। हम अपने शब्दों से, हम अपने गायकी से, हम अपने गीतों के माध्यम से भी गुदगुदा सकते हैं, जो हम उसको वार करेंगे तो पब्लिक को लगेगा, वो इंट्रेक्शन लगेगा। तो बस वही बात है कि हम गीत के लिए जाने जाते हैं, हम डांस के लिए जाने जाते हैं, हम संगीत के लिए जाने जाते हैं, पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए जाने जाते हैं। और हम बोल भी रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर हम भी अश्लील गाना कोई भी गाएं तो उसको एकदम पुरजोर विरोध करिए, कोई भी गाए विरोध करिए, उसका चर्चा ही मत करिए, ताकि वो चीज उपज ही ना पाए। मतलब हर एक चीज मस्ती मजाक होना चाहिए, जो लड़कियों पे टोंट होता है वो भी गाने में होना चाहिए, लेकिन एक सीमित दायरा में होना चाहिए। लड़कियों के ऊपर क्या करना चाहिए, अगर लड़की के ऊपर हम गाना बना रहे हैं तो उसकी जो सुंदरता है ना, उस पर उसका व्याख्या कीजिए आप, बिल्कुल कीजिए, लेकिन सोबर तरीका से कीजिए और अच्छे तरीके से, कि लड़की भी सुने तो नहीं उसको भी लगे कि क्या ये गीत है, लड़की को भी पॉजिटिव वाइब आना चाहिए। होली में और क्या कुछ खास है? होली में तैयारी बहुत खास है, टी सीरीज से, सारे गामा, हम भोजपुरी से, वेब से, अंशिका रिकॉर्ड से, मनसा एंटरटेनमेंट से, अंकुश राजा ऑफिशियल से, भोजपुरी के जितने बड़े बड़े कंपनी हैं सारे से आपका गाना आने वाला। लेकिन कुछ गाना इसलिए नहीं सुना सकते हैं कि अभी रिलीज होने वाला है। बिल्कुल।